इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमरल वन टैबलेट के बारे में। एमरल वन टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। यह मधुमेह से पीड़ित लोगों में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि किडनी खराब होना और अंधापन को रोका जा सकता है। इसे दिन के पहले भोजन से ठीक पहले या उसके साथ लेना चाहिए। लाभ प्राप्त करने के लिए इसे हर दिन एक ही समय पर लें। आपके डॉक्टर तय करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह आपके ब्लड शुगर लेवल के अनुसार समय समय पर बदल सकती है। एमरल वन टैबलेट लेते रहें भले ही आपके ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित हो। अगर आप अपने डॉक्टर से परामर्श किए बिना इसे लेना बंद करते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल आपको डायबिटीज जटिलताओं जैसे कि किडनी डैमेज, ब्लाइंडनेस, नर्व समस्याएं और अंगों के नुकसान का जोखिम दे सकते हैं। याद रखें कि यह इलाज कार्यक्रम का केवल एक हिस्सा है, जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई स्वस्थ डाइट, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए। आपकी जीवन शैली डायबिटीज को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। एमरल वन टैबलेट लेने के सबसे आम साइड इफेक्ट में लो ब्लड शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया, मिचली आना, सिर दर्द, कमजोरी और चक्कर आना शामिल हैं। इसे रोकने के लिए नियमित रूप से भोजन करना और हमेशा अपने साथ शुगरयुक्त खाद्य पदार्थ या फलों का जूस जैसे ग्लूकोज का तेजी से काम करने वाला स्रोत रखना महत्वपूर्ण है। शराब पीने से आपका ब्लड शुगर लेवल कम होने का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए। एमरल टैबलेट के लाभ। टाइप 2 डायबिटीज मेलिट्स का उपचार। एमरल वन टैबलेट आपके शरीर द्वारा उत्पादित इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। फिर इंसुलिन आपके रक्त शर्करा के स्तर को कम करने का काम करता है। इसे आमतौर पर दिन में एक बार लिया जाता है। आपको इसे तब तक लेते रहना चाहिए जब तक ये निर्धारित है। तो दोस्तों, ये थी एमरल वन टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।